तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे सीमेंट सेक्टर के स्टॉक को लेकर के। ये स्टॉक NSE और BSE में लिस्टेड है, तो कंपनी के फंडामेंटल एक बार हम लोग चेकआउट करते हैं। तो देख सकते हैं बहुत छोटी सी कंपनी है, मतलब स्मॉल कैप स्टॉक बोल सकते हैं। 1044 करोड़ का इनका मार्केट कैप है और प्राइस चल रहा है 230 रुपये का, हाई लगा चुका है 260 का, लो है 180 रुपये का। स्टॉक पी है 11 और इंडस्ट्री पी है 24। इन दोनों के हिसाब से ये स्टॉक सस्ता है। स्टॉक पी के हिसाब से ये स्टॉक अंडर वैल्यू स्टॉक है। अंडर वैल्यू स्टॉक मतलब बहुत सस्ते प्राइस मिल रहा है, और इंडस्ट्रीज पी के हिसाब से ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा, मतलब सस्ते प्राइस को टच करके थोड़ा सा ऊपर ही निकला है क्या, ठीक है, ऐसे करके है इंडस्ट्रीज पी के हिसाब से। मतलब इतने मान के चलो कि आप सस्ता मान के चल सकते हैं। बुक वैल्यू 189 का है। डिविडेंड यील्ड कंपनी 1.31% का पे आउट करे, बहुत अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड कंपनी पे आउट कर रही है। ROCE है 15%, ROE है 11%, फेस वैल्यू 10 रुपये की है। दोस्तों जिन भी स्टॉक के अंदर फेस वैल्यू 10 रुपये होता है, उन स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा चांस रहता है स्प्लिट्स और बोनस मिलने का। प्रमोटर का 42% की होल्डिंग है और डेप्ट इक्विटी 0.25 है, मतलब कंपनी का जो कर्ज ना कम है। एनुअली प्रॉफिट हो रहा है 94 करोड़ का, डेप्ट है 218 करोड़ का, रिटर्न ऑन इक्विटी 11% है, EPS है 20 रुपये की, फ्री कैश फ्लो 118 करोड़ है कंपनी के पास, और प्लज परसेंटेज देखे तो 18% है, 18% की होल्डिंग गिरवी रखा गया है प्रमोटर की तरफ से। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। भाई हम लोग चलते हैं प्रोस की तरफ। उससे पहले बता दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा, ना कि बाई और सेल करने के लिए। अगर आप बाई और सेल करते हैं तो आप अपने रिस्क पर बाई और सेल करके चल सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के बाई और सेल करके चल सकते हैं। प्रॉस में देख सकते हैं कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी अपनी कर्ज को कम करने पर लगी हुई है। कंपनी हैज बीन मेंटेन ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट, 20% का कंपनी हेल्थी डिविडेंड पे आउट कर रही है। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो देख सकते हैं 2024 में 49 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, पिछले साल 2023 में 39 करोड़ का था। और भी क्वार्टरली नतीजे अगर देखें, जैसे दिसंबर में 57, सितंबर में 39, जून में 63, इस तरह से कंपनी की परफॉर्मेंस लगातार परफॉर्मेंस अच्छी करके चल रही, बेहतरीन परफॉर्मेंस है 2022 की अपेक्षा। नेट प्रॉफिट की बात कर ले, 24 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी के पास 2024 मार्च वाले क्वार्टर में, तो दिसंबर में 25, सितंबर में 14, जून में 31 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। कंपनी कहीं ना कहीं क्वार्टरली बेस पे परफॉर्मेंस अच्छी खासी करके चल रही है। प्रॉफिट एंड लॉसेस ईयरली बेस पे चेकआउट कर ले तो हम देख सकते हैं 2024 में 208 करोड़ का प्रॉफिट, 2023 में 149, 2022 में 208, 2021 में 284, 2020 में 140। तो कंपनी के प्रॉफिट्स फ्लक्चुएटेड है, मतलब अप एंड डाउन करके आते हैं। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 94 करोड़ का नेट प्रॉफिट 2024 में, और अगर 2023 में देखें 26, 46, 2022 में 98, 2021 में 149। देख कंपनी की प्रॉफिट अप एंड डाउन करके आ रही है, लेकिन अभी 2024 की परफॉर्मेंस बेहतरीन है। डिविडेंड की बात करें तो कभी 19, कभी 30, कभी 14, कभी 12, इस तरह का डिविडेंड कंपनी पे आउट कर रही है, तो अच्छा खासा डिविडेंड कंपनी पे आउट कर रही है। और कंपाउंड सेल ग्रोथ की हम लोग बात करें तो TTM में 8% नेगेटिव है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 107% नेगेटिव है, स्टॉक प्राइस CAGR 18% नेगेटिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12% नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं कंपनी की परफॉर्मेंस है ना बेहतरीन है, बट सेल्स ग्रोथ डाउन होता हुआ दिख रहा है 8%। बैलेंस शीट चेकआउट कर ले तो रिजर्व देख सकते हैं इनके पास 810 करोड़ का है, और इनका रिजर्व हर साल इनक्रीज हो रहा है। वहीं कर्ज की बात करें 218 करोड़ का कर्ज है, पहले 292 था, उससे पहले 335 था। तो कंपनी कर्ज अपने कर्ज को लगातार डिक्रीज करने में लगी हुई है, मैंने यानी कम कर रही है। कैश फ्लो 183 करोड़ का कैश फ्लो है कंपनी का, नेट कैश फ्लो 9 करोड़ निगेटिव में 9 करोड़ है। और कैश फ्लो आते हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ तो देख सकते हैं, प्रमोटर के पास 42% की होल्डिंग है, ये होल्डिंग पहले 43 थी, उससे पहले 44 थी, तो इस तरह उससे पहले 43 थी। तो कंपनी प्रमोटर अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर रही है लगातार। 5% की होल्डिंग FIs के पास है, 39
परसेंट की होल्डिंग 0.49% की होल्डिंग डीआईएस के पास है, 0.02% की होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है और 51% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो पब्लिक के अंदर देखा जाए क्या इंडिविजुअल्स की होल्डिंग है, तो हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। लेकिन बता दें दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया आप स्टॉक और एंजल वन का आप स्टॉक और एंजल वन दोनों का लिंक दिया गया वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाकर के आप अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं और आप भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्टार्ट करके चल सकते हैं। पब्लिक अंदर देखा जाए तो बस 2.79% की होल्डिंग अनंत राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड का पैसा लगा हुआ है। इस स्टॉक का नाम NCL इंडस्ट्री लिमिटेड, कंपनी का नाम है NCL इंडस्ट्री लिमिटेड, इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीलिंग ऑफ सीमेंट रेडी मिक्स कॉन्क्रीट सीमेंट बॉन्डेड प्रैक्टिकल बोर्ड डोर एंड ऑपरेटर टू स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे भी कंपनी कामकाज कर रही है। तो हमने कंपनी का क्या देखा, कंपनी क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट्स देखे। ये दोनों क्वार्टरली की जो रिजल्ट वो तो ठीक है, बट ईयरली बेस पे जो परफॉर्मेंस है ना, अप एंड डाउन हुए हैं। लेकिन करंटली अभी जो 2024 के रिजल्ट आए हैं वो ठीक ठाक आए हैं 2023 का अपेक्षा। टेक्निकल से एक चीज़ देखने के लिए मिल रहा है कि ये स्टॉक फ्लक्चुलेट होते रहते हैं, मतलब अप एंड डाउन लगा रहता है। देखिए पीछे का भी रिजल्ट देखेंगे 2008 से 2012 या 14 के बीच में, और करंटली ये 2016 में अपन अप मूव में गई, 2019 में नीचे आ गई कोरोना काल में, फिर ऊपर गई 2022 में, फिर स्टॉक एक रेंज क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो इस स्टॉक को अपने नज़रों में बनाकर के चला जा सकता है। डेफिनेटली अगर ये स्टॉक ना इस इधर कहीं दिख जाए, अगर हम लोग निकाल दें इनका क्या सपोर्ट निकाला जाए इस स्टॉक का, तो हम सपोर्ट देख सकते हैं। इस स्टॉक का सपोर्ट ये है और रेजिस्टेंस की बात करें अगर, तो ये है। तो इस स्टॉक को अपने नज़रों में रख के रखा जा सकता है रियल टाइम में। ये स्टॉक कहाँ पे इधर कहीं सपोर्ट ले सकते 298 के प्राइस में, तो इधर कहीं अपने नज़रों में रख के चला जा सकता है। और ये स्टॉक अगर ब्रेकआउट करती है 180 रुपये के प्राइस को, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में एक अच्छा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम एक और रेजिस्टेंस तैयार करें, तो हाँ अगर इसका कलर हम लोग चेंज करके कर देते हैं ग्रीन, इस वाले का करते हैं रेड, क्योंकि ये है रेजिस्टेंस। तो अगर इधर कहीं सपोर्ट लेता है ना, कहाँ पे 196 हो गया 103 के लेवल पे अगर कहीं सपोर्ट लेता तब तो ठीक है। ये स्टॉक रेड वाले ट्रेड लाइन को यानी 236 के ऊपर ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकआउट करता है, तो आने वाले टाइम में ये टारगेट दिखा सकता है क्या 309 का। अभी करंटली अगर ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है जो हमारा रेजिस्टेंस है 257 के ऊपर ब्रेकआउट कर देता है, तो जाहिर सी बात है एनुअल टाइम में आपको ये टारगेट देखने मिल जाएगा 304 के लेवल। तो इस स्टॉक को अपने नज़रों में बना करके रखा जा सकता है। लेकिन अगर स्टॉक सपोर्ट के पास दिखे तो अपने नज़रों में बना करके रखा जा सकता है, एनुअल टाइम में मल्टी वगैरह रिटर्न दे सकता है। बट स्मॉल कैप स्टॉक है तो हाई रिस्क से भरा हुआ है, तो सबसे पहले बता दें कि रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ही एंट्री करनी चाहिए, अदरवाइज दूधी में आके रखने में ही भलाई है। और पेनी स्टॉक में पैसा वही लगाएं जो बिल्कुल खोने के लिए तैयार हो, क्योंकि पेनी स्टॉक हाई रिवॉर्ड और हाई रिस्क से भरा हुआ रहता है। अगर आपने 500 लगाए तो वो 500 1,000 में कन्वर्ट हो सकते हैं, 1,00,000 में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ में आया ना कि बाय और सेल करने के लिए, अगर आप बाय और सेल करते हैं तो आप अपने रिस्क और बाय और सेल करके चल सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के बाय और सेल करके चल सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।